लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हुआ आयोजन। 482 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ, लिए सात फेरे। लखीमपुर खीरी के जीआईसी ग्राउंड में सजाया गया भव्य पंडाल। प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन शहर के जीआईसी ग्राउंड में भव्य पंडाल सजाकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने शिरकत की और सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। योजना में लाभान्वित हुए जोड़ों से बात करने के लिए न्यूज टाइम नेशन के जिला संवाददाता हर्ष गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर लाभार्थियों से बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। खीरी में जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है लगभग 482 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे पीछे वो पंडाल है, पंडाल के नीचे लाखों की संख्या में वो लोग हैं और वो लाभार्थी हैं। जो 482 लाभार्थी लगभग जो है उनको उनका विवाह हो रहा है इस मंडप के नीचे, और इस मंडप के कार्यक्रम में जो है कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल, जो कि जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने शिरकत की थी। तमाम आला अधिकारी जिले के यहाँ पर मौजूद थे। आज उन सभी लाभार्थियों का जो है विवाह संपन्न इस मंडप के नीचे हुआ है, और उन लाभार्थियों से हम सीधे सीधे बात करते हैं, क्या कुछ लाभ और कहां से क्या है, कैसा लग रहा है उनको इस योजना के तहत। सबसे पहले आज इस लखीमपुर जिले में इस सामूहिक विवाह पर आए हुए सभी जोड़ों को और उनके परिजनों को मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से प्रभारी मंत्री के रूप में ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज लगभग 450 से ज़्यादा जोड़े यहां पर इस योजना का लाभ उठाते हुए हो रहे हैं। मेरे साथ माननीय विधायक लखीमपुर खीरी सदर योगेश जी हैं, आदरणीय विनोद जी हैं, आदरणीय मेरी बहन मंजू त्यागी जी हैं, हम सब लोग यहाँ पर जिला पंचायत प्रतिनिधि नरेंद्र जी हैं, अपना दल जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सब लोग सामूहिक रूप से इन पूरे जो लखीमपुर खीरी जिले के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित गणाए हुए हैं, उनको हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर से मुलाकात करके उनको बधाई दी और अधिक से अधिक लोगों को भविष्य में इस योजना का फायदा लेने के लिए प्रेरित किया। मोदी जी के सरकार में हो रहा है, लेकिन अभी भी जो आपने कई मीटिंग में देखे होंगे, मोदी जी का नाम तो लोगों के दिलों में बस गया है। मैं यहाँ पर बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि हम सबके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे दूसरे नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो सब लोग उसी में समाहित हैं। मैंने फिर कहा ना आपसे कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी और लखनऊ में आदरणीय योगी जी। सभी लाभार्थियों से जैसे बात हुई, उनका कहना है कि इस योजना के तहत काफी उन्हें लाभ है और वो मुख्यमंत्री की इस योजना से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। आज उन सभी लाभार्थियों का जो है विवाह संपन्न हुआ है और निकाह भी इसी पंडाल के नीचे संपन्न हुआ है। सभी के चेहरे पर खुशियां हैं और वो इस योजना के तहत काफी लाभ भी पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से न्यूज टाइम नेशन के लिए हर्ष गुप्ता। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।